पैर नहीं लग रहा है। अब हम इसको डालते हैं, हम देख रहे हैं कि ये भी ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम और भी कुछ चीजें इसमें डाल के देख सकते हैं। तो आपने वैसे भी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि पानी में कुछ वस्तुएं तो तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। अब हमने कारण जानना है कि कौन सी डूब जाती हैं और कौन सी तैरती हैं। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत प्रयोग करके देखा था, क्रियाकलाप करके देखा था, और उन्होंने बताया था कि जब किसी भी वस्तु को पानी में डाला जाता है, मान लें हम इसको पानी में डाल रहे हैं, ये डूबने जा रहा है, ये कुछ पानी को हटाता है, जितने पानी को ये हटाता है उसको हम उसके द्रव्यमान को तोल लेते हैं। तो हमने क्या देखा, उस पानी का द्रव्यमान तो कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो हम इसको जैसे ही डालेंगे ये डूब जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको तोल के देखा आर्किमिडीज ने जैसे चीज को, तो जब इसको तोल के देखा, इसने पानी जब हटाया वो तो ज्यादा हटा दिया और इसका जो द्रव्यमान है वो कम है, पानी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो जो चीज भारी होगी नीचे, जो हल्की होगी वो ऊपर, तो इसका द्रव्यमान पानी से कम है, तो ये क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। और जो लोहे की चीजें थी वो जो हमने डाली अभी, इसका जो द्रव्यमान अब ज्यादा है और पानी का द्रव्यमान कम है, इसका ज्यादा है तो क्या होगा, ये पानी से नीचे जाएगा। तो जो जितना पानी हटाती है उस पानी के द्रव्यमान से जिसका द्रव्यमान कम है वो तो तैरेगी और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो डूब जाएगी। किसने बताया, ये आर्किमिडीज ने, एक बच्चे ने बना भी रखा है आर्किमिडीज का जो मॉडल है, उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया। समझ में आ गया बेटा? तो इस प्रकार से एक चीज और होती है, जब हम किसी भी वस्तु को पानी में फेंकते हैं तो एकदम वो ऊपर से आती है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, जितने बल से हम पानी के अंदर कूदते हैं उतने ही बल से वो चीज एक बार वापिस आती है, उस बल को हम बोलेंगे उत्प्लावन बल। और जब एकदम वस्तु तैरती उसको बोलते हैं उत्प्लावकता। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए शाबाश।